नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को देवशयनी एकादशी माना जाता है। इस वर्ष 23 जुलाई 2018 के दिन सोमवार देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन विष्णु भगवान की आराधना एवं व्रत उपवास का दिन है। इस दौरान चार माह का समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय हरिशयनी समय समझा जाता है। इस दिन जप तप पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस चार माह के दौरान शुभ कार्य, शादी ब्याह और अन्य सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। चार माह पूरे होने पर देवउठनी एकादशी को भगवान जागते हैं। 23 जुलाई को देवशयनी एकादशी के बाद दीपावली को देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि अपनी गहन निद्रा से जागेंगे, यानी 19 नवंबर 2018 को श्री विष्णु अपनी निद्रा से जागेंगे। ये चार मास का समय चातुर्मास के नाम से विख्यात है। इन दिनों धर्म, ध्यान, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी को ये 10 काम करेंगे तो होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। सुबह धरती माता को प्रणाम करें। स्नान के बाद विष्णु भगवान की धूप, दीप, रोली, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। चावल नहीं खाएं, इससे मन में चंचलता आती है। मन शांत रखें, किसी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं आने दें। ओम नमो नारायण का जाप करते रहें। शराब, जुआ, इनसे दूर रहें। वैसे तो हमेशा इनसे दूर रहना ही चाहिए। रात्रि जागरण करें, लेकिन जागरण में भगवत भजन करें। रात भर जागरण न कर सकें तो मध्य रात्रि तक करें। एकादशी को किसी भी प्रकार का झूठ ना बोले। भगवान को भोग लगाकर गरीबों में बांट दें। एकादशी को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। कहते हैं इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।